आपको एवं आपके परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं बनवारी लाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। फिरोजाबाद जिले के शुकोहाबाद में आगामी त्योहारों होली और सब ए वारात को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण उप जिलाधिकारी और थाना प्रभारी ने पुलिस बल के साथ होलिका दहन वाले स्थानों मुख्य बाजारों तथा भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पैदल मार्च करके सुरक्षा व्यवस्था को परखा। लोगों से त्यौहार को सौहार्द और शांतिपूर्वक मनाने के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत पुलिस का सहयोग करने की अपील की। सोमवार की शाम अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रणविजय सिंह, उप जिलाधिकारी शिवदेहन पांडे और थाना प्रभारी हरवेंद्र मिश्रा ने पुलिस टीम के साथ सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत पैदल मार्च किया। आगामी त्यौहार होली और सब ये बारात को लेकर उन्होंने नगर में जाकर लोगों के साथ बातचीत भी की, जिन्होंने त्यौहारों को शांतिपूर्वक संपन्न कराने की लोगों से अपील की। होली के त्यौहार और सब ये बारात को लेकर होलिका दहन वाले स्थान समेत कई जगहों का निरीक्षण किया। पुलिस बल के साथ पैदल मार्च करते हुए सुरक्षा व्यवस्था को जायजा लिया गया। पैदल मार्च के दौरान उनके द्वारा आम लोगों से पुलिस कार्य प्रणाली के संबंध में फीडबैक भी लिया गया। इस दौरान उन्होंने लोगों से कहा कि होली व सब ये बारात पर यदि किसी ने विवाद किया तो पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी करेगी, साथ ही पुलिस बल भी क्षेत्र में तैनात रहेगा। वहीं PSEB बल तैनात कर दिया गया है। उन्होंने लोगों से दोनों त्योहारों पर शांति बनाए रखने की अपील की। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याओं को भी सुना और कहा कि यदि कोई विवाद करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं अधिकारियों ने लोगों से क्षेत्र में अमन चैन शांति बनाए रखने का भी सहयोग मांगा। तो देखते रहिए C20 न्यूज। देखिए, जैसा हम सभी जानते हैं कि होली का पावन पर्व और शब ए बारात का भी पर्व है और हमारा शिकोहाबाद कस्बा प्रेम और सौहार्द का हमेशा उदाहरण प्रस्तुत करता रहा है। तो पहले भी पीस कमेटी की बैठक में भी सबसे बात हो गई है और सभी ने यह आश्वासन दिया है कि पूर्व की भांति हम शांतिपूर्वक त्यौहार मनाएंगे। तो हम लोग इसी मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में, हम और इंस्पेक्टर साहब शिकोहाबाद और पूरी टीम, PSEB की टीम भी आ गई है, उसमें भ्रमणशील हैं, जनता से संवाद बनाए हुए हैं और जनता को भी त्यौहार मिलजुल करके मनाने के लिए सबको अपना संदेश दे रहे हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं कि पर्याप्त पुलिस फोर्स और PSEB के जवान हमें उपलब्ध हो गए हैं और शादी वर्दी में भी जगह जगह पुलिस के जवान लगाए गए हैं। इसलिए मेरी अपील है कि त्यौहार को बहुत ही अच्छे से खुशीपूर्वक मनाएं और आपस में प्रेम पूर्वक मनाएं। किसी प्रकार की कोई भी बुराई मन में अगर आए तो उसे तत्काल वहीं खत्म करें।